हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमन किचन एंड लाइफस्टाइल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ, मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए, तो देखिए, मैं यहाँ पे कुछ कपड़े हमारे सूख गए थे जिसे मैं फोल्ड कर रही हूँ। तो जब कपड़े ऐसे बिखरे पड़े रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, तो मैं इसे फोल्ड करके रख लूँगी और फिर अपना रूटीन स्टार्ट करूँगी सुबह का। तो मैं झाड़ू लगा लूँगी, कपड़ा फोल्ड करने के बाद मैं झाड़ू लगा लूँगी। और झाड़ू लगाने के बाद और भी सर सारे काम होते हैं फ्रेंड्स। सुबह सुबह हमारा यही रूटीन है, सुबह उठते ही हम झाड़ू लगाते हैं घरों में। मैंने सोचा आपसे आज अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करूं। और ये देखिए, मैंने अपने बच्चों को नहला लिया है। ये मेरी छोटी लड़की है, इसे मैं नहला ली हूँ और मैं इसे इसका बाल बांध रही हूँ। इसे दो चोटी बांधना बहुत ही पसंद है, वो हमेशा दो चोटी ही बनवाती है। देखिए, मैं बांध रही हूँ इसको। और इन लोग का एनुअल एग्जाम शुरू हो गया है फ्रेंड्स। इसीलिए हमें वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो गया। संडे का ही ये ब्लॉग है बट मैं नहीं डाल पाई। और इसे हमें सब कुछ करना पड़ता है, ये छोटी है, अपने से नहीं कर पाती है, अपने बात भी नहीं ले पाती है, तो मुझे ही नहलाना पड़ता है और बाल भी सेट करना पड़ता है। तो ऐसे ही कुछ रहता है हमारा मॉर्निंग का रूटीन। और ये बहुत छोटी है, हंसती है, इसे बहुत मज़ा आता है। अब मैं इसे कुछ बुक्स इसका स्टडी करवा रही हूँ, इसको पढ़ा रही हूँ। इसका एग्ज़ाम है मंडे को, तो नहीं बैठूँगी तो ये पढ़ेगी नहीं। और इसे लर्न करवाना, मैं तो यही आपको सजेस्ट करूँगी फ्रेंड्स, ताकि अपने बच्चों को आप लोग एग्ज़ाम के टाइम हमेशा एक दो घंटा ले कर बैठिए और उनका स्टडी करवाइए, ताकि उनका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हो। नहीं तो बच्चे ही होते हैं, इसमें मम्मी का ज़्यादा रोल होता है अपने बच्चों को पढ़ाने में। तो देखिए, ये पढ़ रही है, इसे सब मैंने लर्न करा दिया है। और इसे मैं दे दी हूँ वर्क करने के लिए। और इसके बाद मैं इसे बता रही हूँ कि आप लर्न करके और लिख के मुझे दिखाना। और मैं जा रही हूँ किचन में, तो देखिएगा फ्रेंड इसका। अब ये सोच रही है कि मम्मी चली गई, मम्मी तो कैमरा ऑन करके चली गई है। और ये देखिए इसका तमाशा, देखिए। देखिए कितनी शरारती है, बहुत शरारत करती है। अगर इसे मैं इतना ख्याल नहीं रखूं तो ये अपना बदमाशी तुरंत स्टार्ट कर देती है। और ये देखिए, हमारी बड़ी लड़की है। इन दोनों को मैं दो रूम में अलग अलग पढ़ने के लिए बैठाती हूँ, ताकि एग्ज़ाम टाइम में दोनों एक साथ बैठेंगी तो फिर खेलना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर दोनों आपस में बात करना स्टार्ट कर देंगी। तो इसीलिए मैंने दोनों को दोनों रूम में बैठा दिया है पढ़ने के लिए। और यहाँ पर मैं किचन में आ जाती हूँ अपना लंच प्रिपेयर करने के लिए। और मॉर्निंग में मैंने ब्रेकफास्ट में मैगी बनाया था, तो मैगी मैंने आप लोग के साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। अभी मैं लंच बना रही हूँ, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये बहुत ही नॉर्मली सब्जी है फ्रेंड्स, और सिंपल सब्जी है, लेकिन बहुत ही अच्छा सब्जी है, आप लोग को बहुत पसंद आएगी। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए। और ये देखिए, मैंने दो प्याज लिया हुआ था जो कि मैं एक काट ली हूँ, रफली काटी हूँ। और अब मैं इसे पीस के और फिर आपसे मिलती हूँ। और एक प्याज मैंने छील के रखा हुआ है, उसे मैं वैसे ही डालूंगी तड़का में काट के। और एक प्याज मैं पीस ली हूँ। अब पढ़ाते ही स्टडी कराते वक्त ही मैंने आलू को यहाँ बॉईल करने के लिए रख दिया था कुकर में। देखिए, मेरा आलू बॉईल हो चुका है। अब मैं इसे छील लूँगी
और आज जो सब्जी है वो मटर आलू की और टमाटर की सब्जी है, जो कि बहुत ही अच्छा डिलीशियस बना है फ्रेंड्स। तो आप लोग देखते रहिए। और इसके साथ एक बहुत ही अच्छी और रेसिपी है जो कि मैं बाद में दिखा रही हूँ आपको। देखिए इसमें मैं अब तेल डाल दूंगी। मैं हर सब्जी सरसों के तेल में ही बनाती हूँ और इसमें मैं तेजपत्ता डाल दूंगी, छोटी चम्मच, एक चम्मच मैं जीरा डाल देती हूँ। अब मैंने जो प्याज, एक प्याज तो मैंने पीस लिया है और एक प्याज जो मैं रखी थी उसे चॉप करके काट ली हूँ, और तीन टमाटर मैंने लिया है और थोड़ा धनिया पत्ता मैं काटी हूँ। अब मैं इसको डाल दी हूँ, तेल हमारा एकदम गर्म हो चुका है और मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ और प्याज को हम लोग अच्छा से फ्राई कर लेंगे। और एक प्याज को मैंने पीस लिया है और एक प्याज को ऐसे तड़के में डाली हूँ फ्रेंड। इस तरह से आप सब्जी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी सब्जी बनके तैयार होती है। अब मैं इसी में थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दूंगी, शुरुआत में ही आप डालिए। ऐसे आप शुरू में ही डालेंगे अगर प्याज के साथ या किसी भी सब्जी के साथ तो इस तेल में, तो बहुत ही अच्छा सब्जी का कलर बन के आता है फ्रेंड्स। तो मैंने कोई मसाला नहीं डाला हुआ है अभी, शुरू में ही मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डाला है। ये कश्मीरी लाल मिर्च तीखी नहीं होती है। और जो मैंने मसाला पीस के रखा हुआ था, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और प्याज, उसको भी मैं इसमें डाल दी हूँ। अब मैं इसे भून लूँगी अच्छा से। मैं आज टमाटर को पीस के नहीं डाली हूँ। देखिए मैंने तीन टमाटर लिए थे जो कि मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में इसे काट लिए हैं, और मैं मसाला भूनते वक्त ही टमाटर को डाल के भून लूँगी ताकि मसाला के साथ ही हमारा टमाटर भी पक जाए। आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाने के लिए मसाले में मैंने टमाटर नहीं पीसा था। और ये देखिए मैं एक चम्मच जीरा पाउडर डाल रही हूँ और एक चम्मच ये धनिया पाउडर डालूंगी, ज़्यादा मसाला नहीं डाल रही हूँ। वैसे ही ये सब्जी बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। हमेशा तो मैं टमाटर को पीस के डालती हूँ लेकिन आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बना के देखी हूँ, बहुत ही अच्छा सब्जी बन के तैयार हुआ था, इसीलिए मैंने काट के बनाया है आज टमाटर। और मैं इसमें मटर डालूंगी। देखिए आपके पास अगर मटर नहीं है तो विदाउट मटर के भी आप बना सकते हैं। आलू और टमाटर और प्याज से भी ये सब्जी बहुत ही अच्छी डिलीशियस बन के तैयार होगी, बट मेरे पास मटर था तो मैंने मटर का यूज़ किया है और डाल दिया है इसमें। मटर डालने से इसका स्वाद और भी बढ़ गया है फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने मटर भी डाल दिया। ये सब्जी आप रोटी, चावल, पराठा, पूरी, किसी भी चीज़ के साथ आप खाएंगे, ये बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ था। एक बार प्लीज़ आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये सब्जी कैसा लगा आप लोग को। देखिए जो आलू उबाल के मैं रखी थी उसे मैं ऐसे मिक्स करके डाल रही हूँ। मिक्स करके मैंने तोड़ के डालने से ये सब्जी बहुत ही गाढ़ी और अच्छी बन के तैयार होगी। मैं काट के भी डाल सकती थी लेकिन ऐसे अगर आप मैश करके डालेंगे ना तो सब्जी बहुत ही अच्छी गाढ़ी बन के तैयार होगी और बहुत अच्छा लगता है खाने में। आप लोग जरूर एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और ये सिंपल में बहुत ही अच्छी ये सब्जी लगती है। और मैं आप लोग को एक टिप्स देना चाहती हूँ फ्रेंड्स, आप लोग हमेशा सब्जी में गर्म पानी डाला कीजिए। सब्जी में गर्म पानी डालने से सब्जी खराब नहीं होती है और बहुत जल्दी सब्जी बन के तैयार हो जाती है।
और टाइम का भी हमारा बचत होता है। तो आप लोग हमेशा इस बात का ध्यान रखिए। और दाल में भी अगर आप डालते हैं फ्रेंड्स, दाल को निकालने के बाद कुकर में से, तो गर्म पानी डाल के ही दाल में से निकाला कीजिए, तो दाल भी नहीं ख़राब होगा। नहीं तो ठंडा पानी अगर आप लोग डाल देंगे तो दाल ख़राब हो जाती है। किसी भी चीज़ में अगर आप ठंडा पानी, ठंडा और गर्म दो तरह से मिला देंगे तो वो चीज़ ख़राब होने लगती है। और मैंने जो धनिया पत्ता काट के रखा हुआ था उसे भी मैं डाल दूंगी। देखिए सबसे लास्ट में मैं नमक डाल रही हूँ, और इसके बाद में जो रेसिपी आपको दिखाऊंगी वो इसके साथ बहुत ही अच्छा जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा फिर पता चलेगा। और ये देखिए मैं एवरेस्ट का गरम मसाला डाल रही हूँ। मैं हर मसाला एवरेस्ट का ही यूज़ करती हूँ, आप लोग भी एवरेस्ट का ही यूज़ कीजिए, आपका सब्जी बहुत ही अच्छा डिलीशियस बन के तैयार होगा। तो देखिए हमारा सब्जी कितना अच्छा लग रहा है, हमारा सब्जी ऑलमोस्ट एकदम बन के तैयार है खाने के लिए। और देखिए तो सब्जी हमारा बन गया और मैंने गैस बंद कर दिया। देखिए मैं एक छोटा सा लोई ले लूँगी, दो छोटी छोटी एकदम नींबू के साइज का आपको लोई लेना है, दो। देखिए इसे गांव में दोहती रोटी बोलते हैं, बट हम लोग इसे दोस्ती रोटी बोलते हैं, बहुत जगह इसे दोहती भी बोलते हैं गांव में, गांव के साइड में। तो मैं आज आपको यही रेसिपी शेयर कर रही हूँ इस सब्जी के साथ, और ये बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग प्लीज़ इस रोटी को ट्राई कीजिएगा, ये बहुत यम्मी लगेगा। एक बार हमारे कहने से आप लोग ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। तो देखिए दोनों रोटियों को मैं बेल लूँगी, सेम साइज का बेल के आपको तैयार करना है। और थोड़ा सा इसमें घी मैं लगा लूंगी, तो देखिए थोड़ा सा आपको लगाना है, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा, ताकि हम बाद में अपने रोटियों को सेपरेट कर सके। तो हमारा इस घी लगाने का यही है कि हमारा रोटी सेपरेट भी हो सकता है, अलग अलग भी मैं कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने थोड़ा सा घी इस पर लगा दिया है। और देखिए मैं इसे अब डाल दूंगी, और मैं एक और आपको बना के दिखा रही हूँ। आप लोग प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए मैं उसे उलाटती हूँ, और इसमें पराठे के जैसा आपको घी नहीं लगाना है, हल्का हल्का ही बस घी लगाना है। मैं दूसरी रोटी भी बेल के आपको दिखा रही हूँ, देखिए थोड़ा सा इसमें लगा दी हूँ, और दूसरी रोटी भी मैं इसमें सटा दूंगी। तो दो रोटी को बन के एक, दो रोटी सटा के एक रोटी बन रही है, तो इसीलिए इसे दोस्ती रोटी बोलते हैं। मेरे बच्चों को ये रोटी बहुत पसंद है, आप अपने बच्चों को भी बना के दीजिए, उन्हें भी बहुत पसंद आएगी। किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी के साथ ये रोटी बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है। अब मैं देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा आपको घी लगाना है, पराठे के जैसा घी नहीं लगाना है, एकदम थोड़ा थोड़ा लगाना है, तभी ये अच्छा लगेगा, वरना नहीं अच्छा लगेगा। ज़्यादा लगा देंगे तो अजीब हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा आपको बस हल्का सा इस पर लगा देना है। बस दो साइड से ही पकानी है इस रोटी को, और फ्रेंड्स ये रोटी बहुत ही मुलायम बन के तैयार होती है। बच्चे तो बच्चे, आप बूढ़े को भी ये रोटी दे सकते हैं, वो लोग बहुत ही आराम से खा सकते हैं, क्योंकि ये रोटी बहुत ही मुलायम बनती है। और देखिए मैं इसे सेपरेट करके आपको दिखा रही हूँ, दोनों रोटियों को सेपरेट करके दिखा रही हूँ आपको, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और इसी से ये रोटी बहुत ही मुलायम बन के तैयार होती है, देख रहे हैं फ्रेंड्स बहुत ही मुलायम है। अब मैं अपने बच्चों को खाना दे दूँगी, तो देखिए मैंने सेपरेट करके आपको दिखाया, और देखिए मैं अब सब्जी सर्व कर दूँगी, और दूसरी रोटी भी मैं डाल दी हूँ, और देखिए मैं सब्जी सर्व कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए।
देखिए मैं दोनों को दे दी हूँ खाना। चलिए मैं उन लोग को देती हूँ खाना। तो देखिए ये लोग खाना खा रही हैं। तो यही हमारा लंच था फ्रेंड, आज का लंच। आज मैंने चावल नहीं बनाया था, दही रोटी और दही दोस्ती रोटी, दोस्ती रोटी और सब्जी, यही हमारा लंच था। तो बच्चे हमारे खा रहे हैं और देखिए दिखा भी रही है आपको। और ये बहुत ही मुलायम होता है। और हमारी ये रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये देखिए अब मैं भी खा लूँगी और मैं बहुत जल्दी आप लोग को अपना इवनिंग रूटीन भी शेयर करूँगी। ये देखिए दही रोटी और सब्जी मैं भी खा रही हूँ। और आप भी खा लीजिए फ्रेंड मेरे साथ अपनी आँखों की नज़र से। और मैं एक हरी मिर्च भी ली हूँ, मैं मिर्च खाती हूँ, मुझे तीखा पसंद है। और मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे बच्चों को ब्लेसिंग कीजिएगा फ्रेंड्स, कि उनका पेपर अच्छा हो, उनका एनुअल पेपर अच्छा हो। और अपना ख्याल रखिएगा। तो बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।